तुम्हारे शास्त्रों में साफ साफ लिखा है, एक वाक्य तुम रोज बोलते हो, धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। सनातन धर्म विश्व के कल्याण का उद्घोष हर मंदिर से, हर सनातनी संस्थान से सुबह और शाम करता है। तुम्हारा सनातन धर्म ये संदेश देता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी हो, सभी निरोगी, सब पर भरसे ईश्वर की कृपा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, हिंदू भवन्तु सुखिनः ऐसा कहा, सनातनी भवन्तु सुखिनः, मुसलमान ना भवन्तु सुखिनः ऐसा बोला, सर्वे भवन्तु सुखिनः सब सुखी हो। अयम निजः परो वैति गणनाम लघुचेतसाम, उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। किसने कहा? सनातन धर्मी ने कहा, मेरा आपका, छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, अपना पराया, गोरा काला, ये जो भेद है ये संकुचित विचारधारा, छोटी सोच वाले लोगों की है। उदार चरित्र वाले तो पूरी वसुंधरा को अपना परिवार मानते हैं। कौन कहता है? सनातन धर्मी कहता है। और क्या कहता है? संगच्छद्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम, देवा भागम यथा पूर्वे संजानानाम उपासते। संगच्छद्वम, साथ मिलकर के चलो, साथ मिलकर के रहो, एकता में बंधे रहो। पर गौतम भाई, यहाँ पर आपने एकता की बात करी, हाँ, पर यहाँ पर इसी में मेरा एक, हाँ, मुझे पता, मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, बट आपने जैसे एकता की बात करी, अब राम मंदिर का आयोजन हुआ, राम मंदिर की इनॉग्रेशन हो गई, एकता की बात तो हो गई, बट अब यहाँ पर खबर आ रही है कि मुंबई में मीरा रोड में मुसलमानों ने हिंदुओं पर अटैक कर दिया, मॉब पे अटैक कर दिया, तो यहाँ पर एकता, मैं उसी पे आ रहा हूँ, ये तो सनातन धर्म ही कहता है ना पूरी दुनिया को, अभी मुसलमानों पे आ रहा हूँ मैं, ये तो सनातन धर्मी की आइडियोलॉजी है कि हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ये केवल हिंदू ने गाया गीत, आपको ऐसा कभी मस्जिद से सुनने में नहीं आया। मस्जिद वाले क्या कहते हैं, वो रोज पांच समय जब नमाज करते हैं ना, तो सबसे पहला एक उद्घोष करते हैं और पांचों बार एक उद्घोष करते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह हुवा अशहदु अन मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलहु, अल्लाह के सिवा कोई इबादत करने योग्य नहीं है और मोहम्मद साहब के सिवा उसका कोई रसूल नहीं है, इसीलिए उसी की इबादत करो और किसी की ना करो। क्या मतलब है? सिर्फ अल्लाह ही इबादत करने योग्य है और कोई नहीं, और रसूल यानी कि जो उनका मैसेंजर है वो केवल और केवल मोहम्मद साहब है, उसके सिवा कोई नहीं है, हम केवल उसको सजदा करते हैं, उसी की इबादत करते हैं। इसीलिए इस देश का मुसलमान कहता है कि वंदे मातरम नहीं कहूंगा, क्योंकि मेरी कुरान कहती है कि सजदा तो केवल अल्लाह ताला को करना है, इसीलिए मैं वंदे मातरम नहीं बोलता, तुम मेरे कंधे पर तलवार भी रखो तो भी मैं नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि उसकी कुरान सूरह तौबा 9 आयत संख्या 5 कहती है, फैजन सलखल असहरुल हुरुम फक्तुल मुशरिकिन हैसु वजदतुहुम वखुजुहुम वसरुहुम वकउदुलहुम कुल मरसदीन फइंताबू व अकामुस्सलात व आतवुज़्ज़कात। ये काफिर हैं, जो मुशरिक हैं, ये नापाक हैं, जो अल्लाह ताला में नहीं मानते, जो मोहम्मद साहब में नहीं मानते, जो कुरान में नहीं मानते, इसीलिए जब हराम के महीने बीत जाएं तो इनको जहां कहीं पाओ इनकी घात में बैठो और इनको कत्ल कर दो। दूसरी एक आयत बोलती है, قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى ياتوا الجزية عن يد وهم صاغرون। ये भी वही बोलती है, और ऐसी तो 24-25 आयतें हैं जिसको एक कोर्ट ने बैन भी कर रखा है कि ये आयतें समाज में समरसतावादी नहीं हो सकती। अब आप सोचो, जो नौजवान, जो बच्चा जाकर के मदरसे में इन आयतों को पढ़ेगा, वो आपको भाई मानेगा? भाई नहीं मानेगा, वो आपको चारा मानेगा और आप भाईचारे की बिन मजाओगे। ऐसे ही ईसा मसीह कहता है, आप बोलते हैं ना जीसस क्राइस्ट तो बहुत अच्छा गॉड है, और मोमबत्तियां लेकर के जाकर के ईसा मसीह के द्वार पर 25 दिसंबर को खड़े हो जाते हैं हमारे हजारों सनातन धर्मी, लेकिन उन्होंने बाइबल नहीं पढ़ी, क्योंकि वो तो गीता ही नहीं पढ़ते तो बाइबल कहां पढ़ेंगे, कुरान कहां पढ़ेंगे। बाइबल में ईसा मसीह कहते हैं, डू नॉट सपोज दैट आई हैव कम टू ब्रिंग पीस टू द अर्थ, आई डिड नॉट कम टू ब्रिंग पीस बट ए स्वॉर्ड, आई हैव कम to turn a son against his father, mother against her daughter, daughter-in-law against her mother-in-law. Man's enemy will be the member of his own household.
नहीं विश्वास होता बाइबल उठा के देख लो। वो कहते हैं ईसा मसीह की ये मत समझो कि मैं इस धरती पर शांति का पैगाम लेके आया हूं, मैं तो इस धरती पर तलवार का आवाहन लेकर आया हूं, जहां पर एक पुत्र यानी एक बेटा अपने बाप का शत्रु होगा, एक बेटी अपनी माँ की शत्रु होगी, एक बहू अपनी सास की शत्रु होगी, और घर के अपने ही सदस्य अपने ही रिश्तेदारों के दुश्मन होंगे। कर लो आप ईसा मसीह को फॉलो, कर लो आप कुरान को फॉलो, और कह तो कि मेरा भाई है, आपके लिए वो भाई है, लेकिन आप उसके लिए केवल और केवल चारा हो।